मुझे आपकी ना एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, मुझे डिसीजन लेने में आप लोगों की बहुत जरूरत है। आया है संग अपने तोहफे लाया है, दिवाली का द्वारपाल आया है, संग अपने तोहफे लाया है, दिवाली का द्वारपाल आने वाला है। एंड आई एम सो सुपर डुपर एक्साइटेड, एंड आई एम श्योर बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, तो अगर आप ये वीडियो अपने बच्चों के साथ देख रहे हो तो भाई बस अब बंद कर दो, बाद में देखना जब बच्चे आसपास नहीं होंगे, क्योंकि हम मम्मियों की बात है, ठीक है। तो फिर आई एम गोइंग टू पॉज फॉर अ सेकेंड, एंड आप तब तक ये वीडियो बंद करो, बच्चों को भगाओ, अकेले देखना, ठीक है। आई होप अब तक बच्चे जा चुके होंगे एंड सिर्फ मम्मियाँ देख रही हैं, क्योंकि हमें सीक्रेट में बात करनी है, ठीक है। बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए ना क्या सीक्रेट है। तो दिवाली का द्वारपाल का जो ट्रेडिशन हम सब लोग मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो सबसे बड़ा थैंक यू मैं आप लोगों को करना चाहती हूँ इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, दिवाली के द्वारपाल को अपनाने के लिए ये ट्रेडिशन। आई कैन नॉट वेट टू सी आप लोगों की फोटोज एंड आप लोगों का एक्सपीरियंस दिवाली वाले दिन का। ऑलरेडी बहुत मैसेजेस आते हैं कि बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि दिवाली का द्वारपाल आएगा, दिवाली पे बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कब दिवाली है। ऑलरेडी इतने ज़्यादा मतलब इतने ये भी मैसेजेस आते हैं कि बच्चा बुक शेल्फ से ऐसे दिवाली का द्वारपाल, द मिस्ट्री ऑफ दिवाली का द्वारपाल उठा के आता है हमारे पास कि हमें पढ़ाओ। तो मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगता है एंड मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मुझे पता है दिवाली वाले दिन मुझे फोटोज देखने को मिलेंगी बच्चों की गिफ्ट्स खोलते हुए जो दिवाली का द्वारपाल उनके लिए लाया है। छोटी दिवाली पे मुझे फोटोज मिलेंगी बच्चों की दिया जलाते हुए, लड्डू रखते हुए। I cannot wait. तो please do share it with me before I get ahead of myself. हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिन्होंने बुक नहीं खरीदी हो, which makes me a little sad. But I don't want your kids to miss out, क्योंकि बच्चे तो अपने हैं यार सारे के सारे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई बच्चा miss out हो। So I'm going to tell you what we are going to do, and I'm hoping that you will join us in this tradition. छोटी दिवाली के दिन सोने से पहले, मतलब दिवाली के एक दिन पहले सोने से पहले, अपने घर में जहाँ भी मंदिर हो या नहीं हो, एक भगवान जी की फोटो हो छोटी सी, वो भी नहीं हो तो कोई बैल्कनी में चले जाओ, एक छोटा सा दिया जलाना है और उसके बगल में एक लड्डू रखना है। छोटी दिवाली वाले दिन तो हम दिए वैसे भी जलाते ही जलाते हैं, आप चाहो तो उसी दिए को दिवाली का द्वारपाल वाला दिया बता दो बच्चों को, बट एक छोटा सा दिया जलाना है। ऑल्दो अगर आप अलग से जलाओगे तो ज़्यादा स्पेशल होगा बच्चों के लिए, तो छोटा सा दिया जलाना है, एक लड्डू रखना है। अगर आपके घर में लड्डू नहीं खाया जाता तो आप मिठाई रख सकते हैं, मिठाई नहीं खाई जाती तो चॉकलेट रख सकते हैं। आई वुड प्रेफर आप लड्डू रखें, क्योंकि भाई लड्डू हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मिठाई होती है, एंड हम लाइक मोतीचूर का लड्डू होना तो वो तो क्या बात है, मेरा फेवरेट है। कमेंट डाउन बिलो आपका फेवरेट लड्डू कौन सा है, एंड आप क्या सोच रहे हो कि आप क्या रखोगे मंदिर में दिवाली के द्वारपाल के लिए। मैं रखूंगी मोतीचूर का लड्डू, आज का गिव अवे जो गिफ्ट है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। उसके अलावा आज का जो गिव अवे क्वेश्चन है वो ये है कि आप दिवाली के द्वारपाल के लिए अपने मंदिर में क्या रखोगे जाके। तो मैं तो रखने वाली हूँ मोतीचूर का लड्डू। तो रात को छोटी दिवाली वाले दिन हम एक छोटा सा दिया जलाएंगे अपने बच्चों के साथ और एक कटोरी में एक लड्डू रखेंगे, एंड फिर बच्चे चले जाएंगे सोने। एंड दिवाली वाले दिन सुबह सनलाइट, फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट पे दिवाली का द्वारपाल आएगा, वो लड्डू खाएगा और बच्चों के लिए गिफ्ट रख के जाएगा मंदिर में या आपके भगवान जी की जो फोटो है वहां पे, या बैल्कनी में जहाँ पे आपने जलाया है वहां पे, जहाँ भी आपको सुविधा सबसे ईजी लगे काम करना। नाउ मैंने अपने बच्चों के लिए दिवाली का द्वारपाल की तरफ से, अब भाई सब जगह तो नहीं जा सकते ना दिवाली का द्वारपाल, मम्मियों को भी हेल्प करनी पड़ती है, पापाओं को भी हेल्प करनी पड़ती है, तो दिवाली के द्वारपाल की तरफ से जो गिफ्ट्स मैंने लिए हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड मैं आपको ये बताने भी वाली हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको बहुत महंगी चीज़ें लेनी हो या बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप स्टफ लेना हो, नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पाइल ऑफ गिफ्ट्स बहुत बड़ी है, वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ वो नहीं दिखा रही जो मैंने खुद खरीदे हैं बच्चों के लिए, मैं वो भी दिखा रही हूँ जो हाल फिलहाल में अभी बच्चों को गिफ्ट्स दूसरी जगह से मिले हैं जो उनको पसंद आए हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपको अच्छे आइडियाज मिल सके। सो आई हैव अ बिग पाइल हियर।
मैंने इस फाइल में बुक्स भी हैं, इनफैक्ट जितने भी टॉयज मैंने खरीदे हैं बच्चों के लिए वो सारे के सारे एजुकेशनल है, तो ऐसा नहीं है वन टाइम यूज एंड वन टाइम थ्रो वाले गिफ्ट्स हो, नहीं। तो वी गोना स्टार्ट ऑफ विद दिस, ये तो रैंडम ऑर्डर में, ठीक है। ये गिफ्टेड था, ये मेरी मॉम लाई थी बच्चों के लिए जब मेरे लिए करवा चौथ रसोई का सामान लाई थी। ये आई थिंक इंस्टाग्राम पे हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देखा हो इसका एड, एरोडायनामिक एयर प्रेशर पावर कार। ये ऐसे पंप करते हैं एंड इसका बलून में हवा भरती है और फिर जब ये एक बटन दबाओ तो ये गाड़ी आगे भागती है इस एयर की वजह से। एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत आराम से इजीली चलता भी है। आरवी लव्स प्लेइंग विद दिस, although दो बलून इसके फोड़ भी चुका है अभी तक, इतना ज्यादा लाइक सुबह से शाम तक खेल रहा था, पर अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसको तीसरा बलून नहीं दिया है। आई एम लाइक थोड़ा ब्रेक ले लो इससे। तो दिस इज अ रियली रियली गुड गिफ्ट। उसके अलावा दिस ऑल्सो टीचेस द किड अबाउट लाइक एयर प्रेशर एंड लाइक द पावर ऑफ लाइक हवा से भी चीजें कैसे भाग सकती है, ऑल्सो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एंड दिस इज ऑल्सो गिफ्टेड, या एक्चुअली किसी एक बर्थडे पार्टी में गए थे उसमें रिटर्न गिफ्ट मिला था, आई थॉट दिस इज सच ए नाइस गिफ्ट। ये वर्ड बिल्डिंग एक्टिविटी है एंड ये जैसे कनेक्ट फोर वाले गेम्स नहीं होते उसके टाइप से है, तो आई थॉट ये बड़ा अच्छा है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो दिस इज एन आइडिया। अगर इनके लिंक्स मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जो मैंने खरीदे हैं उनके पास उनके लिंक्स तो है ही मेरे पास। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वॉज गिफ्टेड टू अस, हम एक और बर्थडे पार्टी में गए थे उसका रिटर्न गिफ्ट था ये, विच आई ऑल्सो आजकल रिटर्न गिफ्ट बड़े अच्छे मिल रहा है। दिस इज स्विंग बॉल एंड ये आरवी मेरी मॉम के घर से लाइक अपनी नानी हाउस जाता है तो जरूर खेलता है, उसको बहुत पसंद है वहाँ पे ये है। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि ये हमें मिल गया, तो आरवी को भी बड़ा अच्छा लगेगा और ईशानवी को भी बड़ा मजा आएगा खेलने में। और ये सारे वो गिफ्ट्स, अब जो मैं गिफ्ट दिखा रही हूँ और ऑल द गिफ्ट जो मैंने खुद खरीदे हैं बच्चों के। सो फॉर ईशानवी, इन केस यू डोंट नो दिस ऑलरेडी, मैं बच्चों के लिए हर फेस्टिवल पे बुक्स जरूर खरीदती हूँ, तो इस बार दिवाली का द्वारपाल आएगा। दिस इज माई फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया बाय ऑसबोर्न एंड आई नो ईशानवी इज ओनली 2 years ओल्ड, बट इवन विद आरवी आई स्टार्टेड टीचिंग हिम, आई स्टार्टेड रीडिंग हिम इंसाइक्लोपीडियाज सिंस ही वॉज 2 years ओल्ड एंड बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के नॉलेज में, बच्चे के इंटरेस्ट में, बहुत सारे टॉपिक्स आपको नए नए मिलते हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो अपने बच्चों के साथ। तो दिस इज वॉट आई गॉट हर विद नाउ। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया हैं, बट ये मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि मुझे लाइक हमारे पास 5-6 हैं, मुझे लगा कि द वे दिस हैज डिस्क्राइब्ड थिंग्स इज डिफरेंट देन एवरीथिंग एल्स दैट वी हैड, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जैसे इसमें ऑल अबाउट फ्लावर्स है, हमारी बाकी इंसाइक्लोपीडिया में फ्लावर्स के बारे में, नेचर के बारे में इतना डिटेल में नहीं है। देन आई गॉट डूडल कलरिंग पेजेस फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स, बेसिकली मुझे आर्यवीर के लिए लेना था बिकॉज आर्यवीर के स्कूल में ना कर्सिव राइटिंग एंड ऑल स्टार्ट हो गई है, सो हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन नीड्स टू इम्प्रूव इवन मोर एंड कलरिंग इज वन ऑफ द वेज जो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। तो आर्यवीर के पास अभी जितने भी कलरिंग बुक्स थी वो काफ़ी बड़े बड़े पिक्चर्स थे, इसमें छोटी छोटी पिक्चर्स हैं, तो like it will be easier for him, not easier for him, like it will be difficult for him to color and usko lines ke within rehne mein thoda concentrate aur zyada karna padega, to hand eye coordination usse kafi zyada improve hoga and then isme aise boyish stuff bhi tha, dinosaurs the jo which he likes, like I don't want to say boyish stuff because there is no such thing as boy stuff girl stuff, but like he as a person he likes dinosaurs, to like it had dinosaurs। देन ऑब्वियसली आरवी के लिए दे रही थी तो आई हैड टू बाय फॉर ईशानवी क्योंकि जिसके भी दो बच्चे हैं उसको पता है एक लिए खरीदो तो दूसरे के लिए खरीदना पड़ता है, एंड लाइक आई बॉट दिस ऑल्सो फॉर मी बिकॉज आई लाइक गर्ली स्टफ, लाइक गर्ली स्टफ एज इन ऐसे प्रिंसेसेज एंड जो स्टीरियोटिपिकल स्टफ होता है ना वो, तो आई गॉट दिस। आई नो शी विल नॉट बी कलरिंग, वो बस ऐसे रैंडम स्क्रिबल करती रहेगी, बट आई जस्ट फेल्ट दैट विल बी नाइस। ऑल्सो इसमें एक पेज में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, सो like suppose this is one page, it has a fish, it has a castle, it has a bow, it has a mirror, it has a necklace as talking points, because at 2 year old you want to talk to your kid, aap chahte ho bachcha zyada se zyada cheeze recognize kare, unke bare mein baat kare, to aapko baat karne ke liye bhi ek page pe bahut cheeze mil jati hain, crab hai, starfish hai, jellyfish hai, ye octopus hai, dekho octopus ke 8 legs hote hain, jellyfish kaise different hoti hai, you know, like you get a lot of talking points in books like these. Another one for Aravir is this. This is the phonics reader which is illustrated by Stephen Cartwright. So Aravir is obviously learning to read now, right, these days. So maine aisi books li hain, so ye bahut sari books hain, so this is
big pig on a dig, goose on the loose, fat cat on a bat, Todd makes it on road. So there's like, kitni books hai ye? Kam se kam 7-8 books hai, maine gini 12 books hai. 12 books hai. So these are books that he can read on his own. And for a beginner reader, अगर ऐसी बुक्स उसको प्रोवाइड की जाए जो वो खुद पढ़ सकता है तो उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है रीडिंग लर्न करने में. नेक्स्ट इज दिस, दिस इज फॉर इशानवी, शी इज 2 years ओल्ड. दिस कॉल्ड स्मार्टो किड, 11-in-1 कॉम्बो पैक, प्ले एंड लर्न एक्टिविटी बॉक्स. तो एक्टिविटी बॉक्सेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. आर्यवीर की मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटी बॉक्सेस से ही हुई थी, हमने फ्लिंटो बॉक्सेस बहुत यूज किए थे. तो इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं फॉर इशानवी. सो लेट्स ट्राई स्मार्टो किड्स. जब हम खेलेंगे और ट्राई करेंगे तो मैं ज़रूर आपको रिव्यू दूंगी इसका. बट सो फार लाइक फ्रॉम द पिक्चर्स एंड रिव्यूज ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. नाउ द लास्ट वन इज अगेन फॉर आर्यवीर, एंड मुझे लग रहा है आर्यवीर के ज़्यादा हो गए. एक्चुअली ईशानवी का ना एक गिफ्ट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, एंड दैट इज़ वाई दो गिफ्ट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, वो कल तक डिलीवर होंगे. तो दैट इज़ वाई उसके थोड़े से कम लग रहे हैं. आई एम गोइंग टू, एक है उसका कंस्ट्रक्शन टॉय टाइप है, विच अगेन शी एंड आर्यवीर बोथ कैन प्ले. एंड एक उसके बारबी के ना कपड़े हैं, वो बारबी के कपड़े उतार उतार के फेंक देती है फिर बोलती रहती है नन्नू नन्नू, तो उसके कपड़े ढूंढने पड़ते हैं. सो एक ऐसे सेट है जो लाइक दैट हैज़ लाइक 10 बारबी क्लोथ्स, एंड वो एक्चुअली खेलती है डॉल से. लाइक वी डोंट फोर्स इट ऑन कि तुम लड़की हो तो डॉल से खेलो, नहीं, शी जेन्युइनली हैज इंटरेस्ट इन प्लेइंग विद डॉल्स. तो आई थॉट लेट्स बाय क्लोथ्स फॉर हर डॉल्स, वो बहुत खुश हो जाएगी. सो द लास्ट गिफ्ट आई एम गोना शो यू इज दिस, दिस इज द सिटी ज़ू इलस्ट्रेशन 252 पीसेस जिग्सॉ पज़ल. तो आर्यवीर कैन ईजिली डू 100 पीसेस का जिग्सॉ पज़ल आराम से कर लेता है. सो आई थॉट थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज करते हैं, 252 उसको लाके देते हैं, एंड देखते हैं हाउ इजीली ही विल बी एबल टू डू इट, और हाउ या उसको कितना डिफिकल्ट लगता है. एंड आई फेल्ट दिस वाज रियली क्यूट. जनरली जो बड़े पीसेस थे, लाइक बड़े ज़्यादा पीसेस वाले पज़ल्स होते हैं, वो थोड़े अडल्ट की तरफ या बड़े बच्चों की तरफ होते हैं, तो देर नॉट लाइक क्यूट इनफ, लाइक वो छोटे बच्चों के इंटरेस्टिंग इनफ नहीं होते. बट दिस आई फेल्ट वॉज समथिंग दैट ही माइट लाइक. सो या दैट वॉज माई बिग पाइल ऑफ गिफ्ट्स दैट आई एम गोइंग टू गिव टू द किड्स फ्रॉम दिवाली के पास पाल. तो जो ओवरऑल बनेगा वो लाइक द ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस इज नॉट अ लॉट. इनफैक्ट ये जो बुक्स हैं ये तो बहुत ही सस्ती थी, 100 रुपये की, अंडर 100 रुपये इस टाइप की कुछ थी ये. सो एंड प्लस द ग्रेट अमेजोन दिवाली सेल, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट सेल दिवाली, आपको पता है ना अमेजोन पे दिवाली की सेल लगी हुई है, तो उसमें प्राइसेस मुझे और भी ज़्यादा कम मिल गया. सो दिस इज एवरी, बच्चे तो नहीं आ रहे, मैं डर गई थी उसमें कौन आ रहा है. सो या दैट्स एवरीथिंग आई गॉट फ्रॉम द किड्स उनके दिवाली के लिए, दिवाली के द्वारपाल की तरफ से, विच आई एम सो एक्साइटेड अबाउट. अगर आपने ऑलरेडी गिफ्ट खरीद लिया है फ्रॉम दिवाली का द्वारपाल टू योर चाइल्ड, प्लीज ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो कि आपने क्या लिया है, रियली इंटरेस्टेड टू नो. उसके अलावा आप चलते हैं, आज बहुत बड़ा काम करना है, विच इज कपड़े डिसाइड करने हैं कि क्या क्या कपड़े पहने हैं हमको दिवाली वाले दिन, एंड आई नीड योर हेल्प फॉर इट. तो प्लीज हाँ हेल्प करना मुझे. कपड़े डिसाइड कर रही हूँ बच्चों के मैचिंग उसमें लगाए हुए मैंने पैर्स में, लाइक दिस विद दिस, अलग ये शानवी का लहंगा एंड आर्यवीर का कुर्ता विद जैकेट, देन ये आर्यवीर का अगर ये पहनेगा तो शानवी कैन वेयर दिस, एंड देन आई थिंक दिस काइंड ऑफ मैचेस दिस, डजंट कम्प्लीटली मैच बट चल जाएगा ये वाइट कुर्ते के साथ. एंड ये तो बड़े अच्छे से मैच कर रहा है, ये तो मैं सोच रही लोगों को फिर या तो भाई दूँ या दिवाली पे बना दूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है. तो अभी कन्फ्यूज हूँ क्या करूँ इतने सारे, लाइक मेरा तो मिल ही जाएगा, मेरे पास तो हर कलर की साड़ी है, तो मेरा तो मैचिंग हो ही जाएगा. वरुण का देखते हैं बाकी अभी दिवाली आ रही है, भाई दूज आ रहा है और मुझे नोएडा जाना है अपने मम्मी पापा के यहाँ दिवाली देने, वो लोग भी आएंगे. तो आई एम जस्ट काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि कौन सी चीज़ कब पहनेंगे बच्चे, ताकि ए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके कपड़ों का, वरना इंडियन वेयर कम पहना जाता है, एंड बी अच्छा भी लगना चाहिए ना, यू नो दिवाली के लिए लगना चाहिए हाँ दिवाली के ड्रेसअप हुए बच्चे. तो दस वही फिगर आउट करूँ कि क्या करूँ. आई थिंक भाई दूज पे ये पहन सकता है, बट राखी पे भी पहना था शायद शानवी ने, राखी पे बट दिन में पहना था, इसने शाम को ये पहना था. तो ये तो भाई दूज पे नहीं पहनेगी क्योंकि ये नोएडा पहन के गई थी लास्ट टाइम. ये पहन सकते हैं, सोच रही हूँ यार, बड़ी कन्फ्यूज हूँ. कमेंट डाउन बिलो प्लीज़, अभी तो टाइम है, कमेंट डाउन बिलो कि मैं दिवाली पे क्या पहनाऊँ बच्चों को और भाई दूज पे क्या पहनाऊँ. ये है 1, 2,
3, 4 और ये 5. आई थिंक ये दिवाली के लिए इज लाइक द बेस्ट है ना.